टुडेज टॉपिक गोइटर। गोइटर एक क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। व्हेन द लेटर लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड बिकम्स लार्जर देन ऑफ द टर्मिनल फेरिंग्स ऑफ चाइल्ड थंब देन इट्स डायग्नोस ऑफ थायरोमेगैली। इट मे कॉन्जेनेटल एक्वाड स्पोरेडिक एंड एंडेमिक। थायरॉइड फंक्शंस मे बी नॉर्मल डिफिनिश्ड और इंक्रीज। गोइटर मे बी डेवलप्ड हाई प्रोडक्शन ऑफ THS इन रेस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज थायरोक्सिन लेवल। इन्फ्लेमेटरी और न्योप्लास्टिक इन्फ्लेमेशन और ड्यू टू लॉन्ग एक्टिव थायरॉइड स्टिमुलेटर। एनी एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड्स इन रेफर टू गोइटर। मोस्ट नॉन टॉक्सिक गोइटर थ्रो द रिजल्ट ऑफ THS स्टिमुलेटिंग सेकेंडरी टू इनएडिक्वेट थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस एंड अदर पैराक्राइन ग्रोथ फैक्टर्स। द थायरॉइड ग्लैंड एनलार्ज्ड इन ऑर्डर ऑफ द मेंटेन ऑफ पेशेंट्स इन एयूथायरॉइड स्टेट। गोइटर्स मे बी डिफ्यूज अनइनोडुलर और मल्टीनोडुलर। फेमिलियल गोइटर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इनहेरिटेड डिफिशियंसी एंजाइम्स नेसेसरी फ्रॉम थायरॉइड हार्मोन सिंथेसिस मे बी कंप्लीट और पार्शियल। द फॉर्म लीड्स टू क्रिटिनिज्म वेयर इज द लेटर लीड्स टू माइल्ड हाइपरथायरॉइडिज्म एलिवेटेड THS एंड द गोइटर ऑल्सो पेशेंट मे बी एयूथायरॉइड। इटियोलॉजी एंड नॉन टॉक्सिक गोइटर। एंडेमिक आयोडीन डेफिशिएंसी डाइट्री गोइटरिज्म। मेडिकेशन आयोडाइड एम्यूडोरोन लिथियम। थायरॉइडाइटिस सब एक्यूट एंड क्रोनिक। फैमिलियल हार्मोनल डिजेनेसिस फ्रॉम एंजाइम डिफेक्ट्स रेसिस्टेंट टू थायरॉइड हार्मोन न्योप्लाज्मा। एलिवेटेड THS लेवल ऑफ इंड्यूस डिफ्यूज फॉलोड बाई फ्यूकल हाइपरप्लेसिया रिजल्टिंग एम नोडल्स दैट मे बी नॉट कंस्ट्रक्टेड आयोडीन कोलोइड नोडल्स एंड माइक्रोफोलिकुलर नोडल्स। द THS डिपेंड नोडल्स बिकम ऑटोनोमस पॉसिबली रिलेटेड टू एक्टिवेशन ऑफ THS रिसेप्टेड ग्लैंड लेस कॉमनली टू द GSP प्रोटो ऑनकोजीन। क्लिनिकल फीचर मोस्ट पेशेंट्स विद नॉन टॉक्सिक गोइटर्स आर एसिम्प्टोमेटिक ऑल्सो पेशेंट्स ऑफ्टन कंप्लेन ऑफ प्रेशर सेंसेशन इन द नेक पार्टिकुलर विद मोशन। एज गोइटर्स बिकम्स वेरी लार्ज कंप्रेसिव सिम्टम सच एज डिस्प्लेसिया डिस्फेगिया इन शोज। पेशेंट आल्सो डिस्क्राइब द हैविंग क्लियर मोर थ्रोट फ्रीक्वेंसी डिस्फोनिया फ्रॉम रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इंजुरी रेयर एक्सपेक्ट वैन मैगनेंसी इन प्रजेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेनस रिटर्न एट द थोरेसिक इनलेट फ्रॉम द सब एक्सटर्नल गोइटर रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव पेम्बर्टन साइन। फेशियल फ्लेंसिंग डायलेशन ऑफ सर्वाइकल वेन्स ओपन राइजिंग द आर्म्स अबाउ द हेड। सडन एलाजमेंट ऑफ नूडल्स और सिस्ट बिकम ऑफ हेमरेज मे कोज एक्यूट पेन। फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवील ए सॉफ्ट डिफ्यूजली एनलार्जमेंट ग्लैंड सिंपल गोइटर नोडल्स ए वेरियस साइज ऑफ कंसिस्टेंस इन केस ऑफ मल्टी नोडुलर गोइटर डेविएशंस ऑफ द ट्रेकिया में बी एपरेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट पेशेंट आर यूजली एयूथायरॉइड विद नॉर्मल THS लो नॉर्मल फ्री T4 लेवल्स। इन सम नोडल्स डेवलप ऑटोनॉमी पेशेंट्स हैव ए सरप्राइज Suppressed THS levels become hyperthyroid. RAE uptake often show patchy uptake with areas hot and cold nodules. FNA biopsy in recommended of patients with have a dominant nodules one that painful or enlargement. As carcinomas have been reported 5-10% of multinodular goiters. CT scan are helpful evaluated extend retrosternal extension and airway compressions. Treatment. Most euthyroid patients with a small diffuse goiter do not require treatment. Some physicians give patients large goiter exogenous thyroid hormone due to reduce of THS stimulating of gland growth. This treatment may be result decrease and stabilization of goiter size. Endemic goiter are treated by iodine administration. Surgical resections reverses of goiters that continue of increase despite T4s suppressions. Cause obstructive symptom have sub-external extension are suspected to be malignant are not proven malignancy by FNA biopsy. Fifth may the costumerically unacceptable subtotal hyper
thyroidectomy is treatment of choice and patient required lifelong T4 therapy of prevent recurrence. Then this topic is complete, goiter, thyroma or Galey. Thank you everyone.